17 जनवरी 2019 को समस्त उत्तराखंड की जनता के लिए रहा ऐतिहासिक दिन। मोदी सरकार एवं उत्तराखंड सरकार के सफल प्रयासों से मिली उत्तराखंड को एक और नई सौगात। उड़ान योजना के तहत हुआ हवाई सेवाओं का शुभारंभ। देखिए, ये आज पूरे पिथौरागढ़ वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पिथौरागढ़ के हमारे बाल वृद्ध नरनारियों ने 1994 से इस क्षण का प्रतीक्षा की है और बहुत धैर्य के साथ, पूरे सहयोग के साथ हर बाधा का निराकरण करने में उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े हैं। मैं इस संपूर्ण जो हमारी आज उपलब्धि है, इसका श्रेय मैं पिथौरागढ़ के, विशेष तौर पर नैनी सैनी के और उसके साथ लगे हुए जितने भी गांव हैं, उन सभी गांववासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक फ्लाइट प्रारंभ की गई है, हम इसको 3 फ्लाइट पर डे तक ले जाएंगे। सप्ताह में 2 दिन 3 फ्लाइटें चलेंगी और यहाँ से पंतनगर की कनेक्टिविटी भी रहेगी, यहाँ से देहरादून की कनेक्टिविटी भी रहेगी। लोगों का कई सालों से काफ़ी ड्रीम था, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा और मेरे को सुनने में ये आया कि यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो बाय रोड तो 20-21 घंटे लगते हैं और देहरादून के लिए मुझे लगता है 9-10 घंटे लगते हैं, जो सुनने में आया। बट आपकी 40-45 मिनट में आप देहरादून पहुँच सकते हो, दिल्ली आप 55 मिनट में पहुँच सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है ये आज और कमिंग डेज में मेरे को लगता है ये कुछ हमारी कंपनी कुछ और भी फ्लाइट्स ऐड करेगी इसमें, तो अभी तो ये फिलहाल स्टार्ट है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, मैं देहरादून से आया हूँ और यहाँ ये सुविधा हमेशा होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो है कि वहाँ का यहाँ व्यू जो है बहुत अच्छा रहा है। लगातार ये यात्रा होनी चाहिए, कंटिन्यू प्लान चलते रहना चाहिए पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ काफ़ी लंबे समय बाद ये सुविधा चालू हुई है, हमें बड़ी खुशी है। अब मैं वैसे देहरादून जा रहा हूँ लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेवा दिल्ली के लिए भी चालू हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए पहली मुझे टिकट मिला है तो मुझे बहुत खुशी है। जो हम यहाँ से पहाड़ से होके जाते थे हल्द्वानी से होते हुए या टनकपुर से होते हुए, दुनिया भर की परेशानियाँ होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, इसमें बढ़िया अच्छा। वही जगाते हैं।